वैसे भैया मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो साइकिल पे मोटरसाइकिल पे रख के मतलब प्लास्टिक का जो होता है ना चेयर वो सब लेके घूमते हैं सब। ले ले भैया 500 में 2 गो, 600 में 2 गो, 700 में 2 गो लेके घूमते हैं सब। चोंगा भोंगा लगा के घूमते हैं सब अपना। ओ ले लो बनारस वाला कुर्सी आ गया है। तो मैंने एक दिन देखा भैया फोल्डेबल कुर्सी, और उसका भैया बैठना है तो पीछे देखो कैसा दिख रहा है, और बैठना है तो ऐसा खोल दो और कहीं उठाओ और लेके चलते बनो। मैंने कहा हाँ यार ये तो मस्त है, कहीं ट्रेवल करना है तो ससुराल ले ले साथ में, और बैठना है तो खुल के आराम से बैठ जाओ। ये चाहो तो भैया कहीं ट्रैवल भैया कर रहे हो ज़्यादातर ले के घूमते रहो साथ में इसी ससुरा। एकदम मस्त रहेगा। तो देखो भैया इसका बिजनेस किया जा सकता है, इस हो सकता है विलेज गांव एरिया में ना चले, कहाँ कि गांव एरिया में बहुत सस्ता खोजते हैं सब, एकदम सस्ता सस्ता मिल जाए। ये 100 रुपया में 200 रुपया में ससुरा कुर्सी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा उन लोगों के लिए। लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन भैया थोड़ा सा शहर में सिटी वाले एरिया में बड़ा मार्केट में चले जाओ और आराम से खोल के बैठ जाओ। ले लो भैया फोल्डेबल कुर्सी ले करके घूमते रहो जहाँ मर्जी हो, घर पे रखो साथ में लेकर घूमो, कहीं जा रहे हो तो ले करके जाओ साथ में फोल्डेबल कुर्सी, तुरंत बनाओ तुरंत बैठो फिर उठो ले कर चले जाओ जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। या देखो ये जो फोल्डेबल कुर्सी है इसका होलसेल में लेकर के अपना कहीं भी बढ़िया मार्केट देख रहे हो ज़्यादा जनता है वहाँ पे ले जाके लगा दो। ओ भैया देखो सेलिंग करो और इसका बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, क्या कि नॉर्मल कुर्सी सब ससुरा बेच रहे हैं, लेकिन ये फोल्डेबल कुर्सी देखेंगे सब। ऐसे थोड़ा दिखाते रहो बीच बीच में जहाँ भी मार्केट में, भैया देखो ऐसे खोलो बैठ जाओ और ऐसे बंद करो लेके चलते बनो जहाँ मर्जी हो जाओ लेके जाओ। या इसको होलसेल में लेके इसका अच्छा खासा अर्निंग किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। जैसे सब ससुरा प्लास्टिक वाला कुर्सियाँ ले बेचते हैं, वैसे इसे भी होलसेल में ला करके इसे बेचो,